नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। कोरोना वायरस से पहली जीत के आसार दिखाई देने लगे हैं। केरल में संक्रमण की श्रृंखला टूट रही है, जिसके मद्देनजर राज्य में आज से लॉकडाउन में छूट दी जा रही है। छूट के तहत ग्रीन और ऑरेंज जोन में आने वाले इलाकों में रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत दी जा रही है, लेकिन इनकी समय सीमा तय है। राज्य में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जैसे नियम अनिवार्य हैं। इस बीच देश में कोरोना के कुल एक्टिव मामलों की संख्या 13,295 है, जबकि 2,301 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। हालांकि मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़कर 519 हो गया है। केंद्र सरकार ने भी कोरोना संक्रमण से मुक्त क्षेत्रों में आज से कुछ सेवाओं में छूट देने का फैसला लिया है। सरकार ने कम आय वर्ग और किसानों की मौजूदा आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कोविड-19 नियंत्रण वाले क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं के लिए मंजूरी दे दी है। अभी देश में 167 जिले रेड, 207 ऑरेंज और 354 जिले ग्रीन जोन में है। ग्रीन जोन में शामिल इलाकों में कुछ छूट दी जाएगी। इन जिलों में प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन जैसी सर्विसेज और निर्माण कार्य शुरू करने की छूट है। शहरी इलाके वायरस से ज्यादा संक्रमित हैं, ऐसे में यहां आर्थिक गतिविधियां अभी शुरू होने की संभावना नहीं है। दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन प्रतिबंधों में कोई ढील नहीं दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एक सप्ताह के बाद हालात की समीक्षा की जाएगी, इसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। केजरीवाल ने बताया कि नियंत्रण वाले क्षेत्रों में संक्रमण में बढ़ोतरी हुई है। कुछ व्यक्तियों में लक्षण नहीं होने के बावजूद उनमें संक्रमण पाया गया है। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 186 नए पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई। हालांकि 24 घंटे में 134 मरीज ठीक भी हुए हैं। लॉकडाउन के दौरान ई कॉमर्स के जरिए गैर जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति पर लगा प्रतिबंध जारी रहेगा। गृह मंत्रालय के संशोधित दिशा निर्देशों में कहा गया है कि ई कॉमर्स कंपनियों को सिर्फ आवश्यक वस्तुओं के लिए अनुमति दी गई है। इसमें गैर जरूरी वस्तुओं की बिक्री शामिल नहीं है। गृह मंत्रालय ने राज्यों को यह आदेश दिया है कि मजदूर एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं जाएंगे, जो जहां है वहीं पे रहेंगे और उन्हें वहीं पर काम मुहैया कराया जाएगा। लॉकडाउन का दूसरा फेज 3 मई को खत्म होने के बाद भी रेल और हवाई सेवाएं नहीं शुरू होंगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि अभी निजी विमानन कंपनियां हवाई यात्रा के लिए टिकट ना बेचें। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों को फिर से शुरू करने पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया। पेंशन धारकों के पेंशन में कोई कटौती नहीं होगी। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा टीवी को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा है कि पेंशन में 20% की कटौती की खबरें पूरी तरह से भ्रामक और निराधार हैं। उन्होंने बताया कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि 80 साल से अधिक उम्र के लोगों की पेंशन रद्द की जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार संवेदनशील है और हम पेंशन में कटौती नहीं करेंगे। To in fact interfere with the pension mechanism as it exists today. On the contrary, I would use this opportunity to add over here that we made sure at the turn of the month that all the pensioners would get their monthly pension deposited in time in their respective bank accounts. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से युवाओं से संकट की घड़ी में रास्ता दिखाने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने लिंक्डइन पे अपने विचार साझा करते हुए कहा कि कोविड-19 अपने साथ कई समस्याएं लेकर आया है। इस वायरस ने पेशेवरों के जीवन की रूपरेखा को बदल कर रख दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक स्तर पर एक केंद्र के रूप में उभर सकता है, ऐसे में आइए हम इस अवसर का लाभ उठाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 जाति, धर्म, रंग, पंथ, भाषा और सीमाओं को नहीं देखता, ऐसे में हम सबको एकता और भाईचारे के साथ काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आइए हम एक ऐसा व्यवसायिक मॉडल विकसित करें जो गरीबों की देखभाल करने पर जोर देता हो। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि के लिए 3,72,123 नमूनों की जाँच की है। देश की सरकारी और निजी प्रयोगशालाओं में 35,494 नमूनों की जांच की गई है। आईसीएमआर अधिक से अधिक
सरकारी और निजी प्रयोगशालाओं को जांच की मंजूरी देकर ये सुविधा बढ़ा रही है। अब तक 194 सरकारी प्रयोगशालाओं और 3 संग्रह केंद्रों साथ ही 82 निजी प्रयोगशालाओं को जांच की मंजूरी दी गई है। रक्षा मंत्रालय ने कोरोना वायरस का टेस्ट होने के बाद नेगेटिव रिपोर्ट वाले जवानों को बॉर्डर पर तैनात करने का निर्देश दिया है। रक्षा मंत्रालय ने अधिकारियों को रोजाना कॉन्टैक्ट डायरी बनाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही सभी प्रकार की सामूहिक ट्रेनिंग पर रोक लगा दी गई है। रक्षा मंत्रालय ने जहाजों, सबमरीन जहां पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना मुश्किल है, वहां पर विशेष सावधानियां बरतने का निर्देश जारी किया है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पिछले 1.5 महीनों में देश और दुनिया से यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों में आए 5 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने का फैसला लिया है। इसके लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के साथ ही लोगों को आर्थिक स्वावलंबी बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी रणनीति बनाई गई है। और इसी के साथ फिलहाल इस अपडेट्स में मेरे साथ इतना ही। अगले अपडेट्स में आपसे फिर होगी मुलाकात। अपना ख्याल रखिए, क्योंकि हम सब एक साथ मिलकर कोरोना पर विजय हासिल करेंगे। दीजिए इजाजत। नमस्कार।